violence, violence, violence. Can't avoid. तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर को रिलीज हुए 24 घंटे हो चुके हैं और शुरुआती 24 घंटों में KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर ने सभी फिल्मों के ट्रेलर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर चाहे वो पेन इंडिया फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा किसी ट्रेलर पर 24 घंटों में व्यूज़ मिले थे तो वो थी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के ट्रेलर पर 24 घंटों में 42.7 मिलियन व्यूज़ आए थे, लेकिन सूर्यवंशी का रिकॉर्ड 83 के ट्रेलर ने तोड़ा था। और 83 ट्रेलर पर शुरुआती 24 घंटों में 43.5 मिलियन व्यूज आए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि KGF चैप्टर 2 के हिंदी ट्रेलर पर शुरुआती 24 घंटों में 51 मिलियन व्यूज आए हैं। यानी कि हिंदी फिल्मों में अगर सबसे ज्यादा किसी ट्रेलर पर 24 घंटों में व्यूज आए तो वो है KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर। लेकिन दोस्तों बात करें पेन इंडिया फिल्मों के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि RRR के 5 ट्रेलर रिलीज हुए थे अलग अलग भाषाओं में, और RRR के 5 ट्रेलर्स को शुरुआती 24 घंटों में 51.13 मिलियन व्यूज मिले थे। और RRR के ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ा था राधेश्याम के ट्रेलर ने, क्योंकि राधेश्याम के ट्रेलर को शुरुआती 24 घंटों में सभी भाषाओं में 64 मिलियन व्यूज मिले थे। लेकिन दोस्तों बात करें KGF चैप्टर 2 के 5 भाषाओं के ट्रेलर के बारे में, तो दोस्तों यहां पे KGF चैप्टर 2 के कन्नड़ा ट्रेलर को 24 घंटों में व्यूज मिले 18 मिलियन, तेलुगु वर्जन में 20 मिलियन, हिंदी वर्जन में 51 मिलियन, तमिल वर्जन में 12 मिलियन, वही मलयालम वर्जन में 8 मिलियन। यानी कि दोस्तों KGF चैप्टर 2 के 5 ट्रेलर को शुरुआती 24 घंटों में टोटल व्यूज मिले हैं 109 मिलियन। और इसी के साथ KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर इंडिया का मोस्ट व्यूड ट्रेलर बन चुका है शुरुआती 24 घंटों में। तो दोस्तों जिस तरह पिछले साल KGF चैप्टर 2 के टीजर ने सभी टीजर्स के रिकॉर्ड तोड़े थे, उसी तरह KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर ने भी सभी ट्रेलर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अब देखते हैं दोस्तों कि फिल्म के टीजर ट्रेलर ने तो धमाका कर दिया है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। वैसे आपको क्या लगता है KGF चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।